गुड मॉर्निंग बच्चों, आज क्लास 9 के बच्चों के लिए जो चैप्टर हमने शुरू किया था, द लॉस्ट चाइल्ड, आपका जो बुक है मोमेंट्स, उसमें आपको बताया गया था कल कि लॉस्ट चाइल्ड के बारे में, जो एक बच्चा छोटा सा रहता है, वो अपने माता पिता के साथ काफी खुशी खुशी या आनंद पूर्वक मेला जाता है, और रास्ते में वो जो जिन चीज़ों को देखता है उसे देखता ही रह जाता है, और कभी कभी वह पीछे छूट जाता है। उसके माता पिता जब उसे आवाज़ देते हैं कुछ दूर जा करके, तो वो बच्चा दौड़ते हुए तेज कदमों के साथ अपने माता पिता के पास पहुंच जाता है। आज हम लोग आगे पढ़ेंगे, ए ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज वे आर बस्टलिंग अबाउट ऑन देयर गॉडी पर्पल विंग्स। देखिए, ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज मतलब मक्खियों का एक झुंड, मक्खियों का एक झुंड क्या हो रहे थे, चमकीले या पर्पल, पर्पल मीन्स बैगनी, बैगनी रंग का, या चमकीले पंख थे उनके, या बैगनी रंग का जो पंख था, उस तरह के जो मक्खियां थी वे उड़ रहे थे इधर उधर, इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट ऑफ ए लोन ब्लैक बी और बटरफ्लाई इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर्स। देखिए, काली मक्खी या बटरफ्लाई, तितली, जो फूलों में शहद की तलाश कर रही थी, तितलियां या जो काली मक्खियां हैं, या आपकी जो बटरफ्लाइज जिसको हम लोग कहते हैं, मक्खी या तितली, बटरफ्लाइज में तितली एंड बीज मतलब मक्खियां, तो ये जो थे शहद की तलाश में फूलों के ऊपर मंडरा रहे थे। द चाइल्ड फॉलोड देम इन द एयर विथ हिज गेज, और यह जो लड़का था बच्चा, वो इनका क्या किया, पीछा किया मतलब देखा उसको, और ये सारे कहाँ थे, हवा में उड़ रहे थे। टिल वन ऑफ देम वुड स्टील इट्स विंग्स एंड रेस्ट, ये बच्चा तब तक उसे फॉलो किया, तब तक फॉलो करता रहा जब तक कि वो किसी जगह पे आसानी से या आराम से बैठ ना जाए, ताकि ये बच्चा समझ रहा है कि हम उस तितली को पकड़ेंगे। एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट, और जैसे ही वो तितलियां एक वस्तु पे बैठती है मतलब फूलों पे बैठती है शांत होकर के आराम करने के लिए, तो ये लड़का सोचता है कि हम उसे पकड़ेंगे, और ये प्रयास भी किया उसे पकड़ने के लिए। बट इट वुड गो फ्लटरिंग फ्लैपिंग अप इन टू द एयर, लेकिन जैसे ही वह लड़का उसे पकड़ने का प्रयास किया, उसके करीब गया, वो जो तितली थी वो क्या हो जाती है, एकदम उसके पहुंचने से पहले ही वहां से अपने पंखों को फड़फड़ाते हुए हवा में उड़ जाती है। एंड वेन ही हैड ऑलमोस्ट काउट इट इन हिज हैंड, मतलब वो पकड़ने ही वाला था उस तितली को, उसके पहले ही वो तितली क्या होती है, वहां से उड़ जाती है। देन हिज मदर गेव ए कॉसेंट्री कॉल, तभी उसकी जो माँ है उस लड़के को कॉसेंट्री मतलब सावधान करने वाली आवाज, उस लड़के को बुलाने के लिए उसकी माँ आवाज लगाई, कम चाइल्ड कम, कम चाइल्ड कम, और वो बच्चा क्या किया कि दौड़ते हुए मतलब रास्ते में दौड़ते हुए अपने माता पिता के पास आ गया। ही रैन टुवार्ड्स हिज पेरेंट्स गेली एंड वॉक्ड अब्रिस्ट ऑफ देम फॉर ए वाइल, वह खुशी खुशी प्रसन्नता पूर्वक क्या किया, अपने माता पिता के तरफ भागा, और कुछ देर तक उनके साथ साथ वो चला, कुछ देर तक अपने माता पिता के साथ चलता है। बींग हाउ एवर सून लेफ्ट बिहाइंड, लेकिन जल्द ही क्या हो जाता है, वह लड़का फिर से एक बार पीछे छूट गया, और वो पीछे कैसे छूटा, अट्रैक्टेड बाय द लिटिल इंसेक्ट एंड ओर्म्स अलोंग द फुटपाथ दैट वे आर टीमिंग आउट फ्रॉम देयर हाइडिंग प्लेसेस टू एंजॉय द सनशाइन, क्योंकि वह लड़का जो पीछे छूट गया एक बार फिर से, जो कीट पतंग बाहर आ रहे थे अपने निवास स्थान से, ठीक है,
उसे देखने के लिए उसकी ओर वो आकर्षित हो जाता है। ठीक, उनका जो छोटे मोटे जो कीट होते हैं या पतंग होते हैं, कीट पतंग या कीड़े मकोड़े जो होते हैं, उनके निवास स्थान या छिपने का जो स्थान होता है, वहां से वे लोग जब निकलते हैं तो उसकी ओर ये बच्चा आकर्षित हो गया, और आकर्षित होने के बाद ये एक बार फिर से पीछे छूट गया। कम चाइल्ड कम, उसके पेरेंट्स ने फिर से एक बार आवाज लगाया, और ये आवाज कहां से आ रही है? हिज पेरेंट्स कॉल्ड फ्रॉम द शेड ऑफ ए ग्रोव वेयर दे हैड सीटेड देमसेल्फ ऑन द एज ऑफ ए वेल, ही रैन टुवर्ड्स देम। अर्थात कम चाइल्ड कम, आओ बच्चे आओ, उसके माता पिता ने ये जो आवाज लगाई थी कहां से लगाई थी? वृक्षों का एक झुंड था जहां पे उसके माता पिता बैठ करके आराम कर रहे थे, अर्थात वहां पे बैठ करके उस बच्चे को पुकारा गया। ठीक है, और वो लड़का क्या करता है, अपने माता पिता की इस बात को सुन करके उनकी ओर दौड़े हुए चला आता है। आज तक ये जो आपका वीडियो है, इस वीडियो के माध्यम से हम इस चैप्टर को आज यहीं रखना चाहेंगे। हम अपनी आगे की वीडियोस में आगे और आपको बताया जाएगा। थैंक यू।